बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाबाश आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एंड जनरल नदीम अंजुम टीम। अफगान हुकूमत की धमकियों के बावजूद पाकिस्तानी ड्रोन्स ने टीटीपी के दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर को उड़ाकर रख दिया है। अहम तरीन कमांडर्स हलाक हुए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बैठे हुए मुल्क दुश्मन अनासिर को भी आग लग गई। ये कौन है और पाकिस्तान मुखालिफ किस तरह से ये प्रोपोगंडा करते हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीने कराम, मैंने दो दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान के अंदर, और उसके बाद अफगान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को धमकी दी गई कि अगर पाकिस्तान ने अब की बार उनकी सरहदों के अंदर कोई ऑपरेशन किया या कार्रवाई की तो उनकी जानिब से सख्त तरीन रद्द अमल आएगा और फिर जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान ने मजबूरन ये कदम उठाया क्योंकि पाक फौज की जानिब से मुतअद्दिद मर्तबा बार बार अफगान हुकूमत से कहा गया कि वो टीटीपी के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करें जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के जिम्मेदार हैं, लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से टाल मटोल से काम लिया जाता रहा क्योंकि अफगान हुकूमत के अंदर ही कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो कि इन दहशतगर्दों के हमदर्द हैं क्योंकि उन्होंने अमरीका के खिलाफ जंग में अफगान तालिबान का साथ दिया और अब वो उस नमक हलाली की वजह से उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन पाक फौज ने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर मुल्क के अंदर या बाहर जहां कहीं पर भी पाकिस्तान को ललकारने की कोशिश की जाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालिया विफाकी काबीना के अंदर भी वो मुल्क दुश्मन अनासिर मौजूद हैं जो कि असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर पाक फौज को ललकारते नजर आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई और ना ही असेंबली में कोई उनके खिलाफ बोला। उनकी मजबूरी यह है कि इन्हीं दो वोटों के बलबूते पर वो असेंबली में इक्तदार में आए हैं। अली वजीर और मोहसिन दावड़ ने जिस तरह से पाक फौज के खिलाफ हालिया दिनों में असेंबली के फ्लोर पर बकवास बाजी की वो इस तरफ इशारा कर रहा था कि दहशतगर्दों को हल्ला शेरी देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर हम तुम्हारे तहफ्फुज़ के लिए बैठे हुए हैं। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान जो इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं जिसमें पाकिस्तानी झंडा और पाकिस्तानी पासपोर्ट को जलाने के वाक़यात भी सामने आए तो इसके पीछे भी इसी पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट के उन कारकुनों का किरदार है जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नाउज़ुबिल्ला नारे लगाते हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जिनको जेलों में होना चाहिए उन्हें जेलों से निकाल कर पाकिस्तान की असम्बली में पहुँचा दिया गया। और मैं फवाद चौधरी के उस बयान से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त विफाकी काबीना जिसने मुल्क से वफादारी का हलफ उठाया है ऐसा लग रहा है जैसे ये जेल की रजिस्टर हाजिरी हो क्योंकि इसमें तमाम के तमाम वो लोग मौजूद हैं जो जेल से मुख्तलिफ केसेस में जमानत पर रहा है। और तो और पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन का केस चल रहा है और फर्दे जुर्म जिस दिन आयद होनी थी उसी दिन उसने वजारत का हलफ उठाया और जो पंजाब का वजीर आला होने का दावा कर रहा है वो भी इन्हीं बिसाखियों के बलबोते पे आया है। लिहाजा ये तो उनके खिलाफ ना कोई बात कर सकते हैं ना आवाज उठा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के तहफ्फुज के अमीन इदारे की जानिब से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान के अपने तैयार करदा ड्रोन तैयारों ने आज तारीख में पहली मर्तबा किसी गैर मुल्की सरजमीन पर बड़ा ऑपरेशन किया और हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर अफगान सरहद के करीब अफगान सूबे खोस्त और कुनड़ में तहरीक तालिबान के मराकज पर जेट तैयारों ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी ड्रोन्स ने मिजाइल हमले किए थे। हुकाम ने इस बात की तरदीद की है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट तैयारों के जरिए बमबारी की गई और यह भी कहा गया कि टीडीपी के खिलाफ ऑपरेशन में अफगान सरहद की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। बावसूख फौजी जराए से मिलने वाली इत्तिलाआत के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते खोस्त और कुन्नड़ में किए जाने वाले हमले
पाक फिदाइया के जेट तैयारों ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी मेड ड्रोन तैयारों की मदद से यह ऑपरेशन किया गया। अफगान सरहद के करीब तहरीक तालिबान के उन मराकज को निशाना बनाया गया जहां गुज़श्ता महीने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मंसूबा बंदी की गई थी। इन हुकाम के मुताबिक जिन इलाकों को निशाना बनाया गया वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कब्जे में दिए गए इलाके हैं जो खुद अफगान तालिबान के लिए नो गो एरियाज हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमलों के नतीजे में TTP को काफी नुकसान हुआ, इसलिए उन्होंने इलाके की नाकाबंदी करके किसी को भी हत्ता के तालिबान को भी आने नहीं दिया ताकि हमले के दौरान हलाक होने वाले अहम कमांडरों की हलाकत छुपाई जा सके। ताहम ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में इस हवाले से मजीद तफसीलात जारी की जाएंगी। एक आला अफसर का कहना है कि रमजान के आगाज में ही खैबर पख्तूनख्वा के साबिक कबायली अजला शुमाली वजीरिस्तान और बाजोड़ में पाकिस्तानी फौज पर हमले किए गए, टानक में फौजी कैंप पर हमला किया गया और यरगमाल बनाने की कोशिश की गई और हाल ही में शुमाली वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज के 7 जवान शहीद हुए। इससे एक रोज पहले मेजर और सिपाही भी शहीद हुए। DI खान में पुलिस मोबाइल पर मिसाइल हमला किया गया। इस सूरत हाल में पाकिस्तानी हुकूमत ने अफगानिस्तान की सरहद पर कार्रवाई का फैसला किया और बाकायदा मुसद्दका इत्तलाआत पर इन मराकज को निशाना बनाया गया जहां पर TTP के अहम कमांडर्स मौजूद थे। मुमकिन तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि TTP का मेन सरकर्दा मौलवी फकीर मोहम्मद भी इस हमले में मारा गया है। TTP ने अफगान सरहद के करीब अपने गांव आबाद कर रखे हैं, यहां पर अफगान हुकाम की भी नहीं चलती। हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान की हकूमत पर कई बार जोर दिया गया कि वो तहरीक तालिबान को मुजाकरात की मेज पर लाएं या उनके खिलाफ कार्रवाई करें जिसमें वह नाकाम रहे, इसलिए मजबूरी में अपने दिफा के लिए पाकिस्तान को ये इकदाम उठाने पड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जानिब से बनाए जाने वाले तबाहकुन ड्रोन और हथियारों की मदद से पाकिस्तान अब इंतहाई जबरदस्त तरीके से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना रहा है। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को धमकियां भी दी गई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का ख्याल रखे वरना हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर जहां जहां पर दहशतगर्दों के नेटवर्क्स मौजूद हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाएगा और असेंबली के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के सहूलतकारों और उनके लिए नरम गोशा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई फौज नहीं बल्कि अवाम करेगी और अवाम आने वाले इलेक्शंस में उनको इस तरह से रगेद कर रख देगी कि जिस तरह से रगेदने का हक होता है। इस वक्त पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज अंदरूनी और बैरूनी दोनों दुश्मनों से भरपूर तरीके से नबर्द आजमा है। पाकिस्तान पर किए जाने वाले हमलों का सूद समेत बदला ले लिया गया है जबकि दूसरी जानिब दहशत गर्दों की पाकिस्तान ने अमली तौर पर कमर तोड़ कर रख दी है। बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर अगर मौलवी फकीर मोहम्मद अफगानिस्तान में मारा गया है तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की फंडिंग रोक दी गई है क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की मदद से सेंट्रल एशियाई ममालिक में से दहशत गर्दाना हमलों के लिए फंडिंग मौलवी फकीर मोहम्मद के जरिए ही पाकिस्तान में ट्रांसफर की जा रही थी। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब पाक फौज की जानिब से मुल्क में मौजूद ना सिर्फ अफरा तफरी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है बल्कि दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा करने के लिए अफवाज पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन रद्दुल फसाद इंतहाई कामयाबी से जारी है। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।